हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग कर क्या रहे हो? पता नहीं यार, आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो नहीं देखते हो, क्या कर रहे हो यार? जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल पर सेट कर दो, मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे और अच्छे से अच्छे गेम प्ले आपको देखने को मिलेंगे। कैसे रैंक बूस्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं इस वाले गेम प्ले में बताऊंगा। जिन लोगों को कौन करनी हो भाई होगा, क्योंकि आप जो चल रहा है भाई कुछ ही दिन बचे हुए, तो भाई जो लोग एस मास्टर एस डोमिनेटर पर आके रुक गए तो भाई प्लीज़ दोबारा से स्टार्ट कर लो। अब इधर की तरफ आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आके लूट लेता हूँ। अब ये तलवार पता नहीं क्यों दे देते हैं यार, ये नहीं देना चाहिए था। ये तलवार पता नहीं हाथ में रहती है, कभी कभी बंदों को मारने के चक्कर में तलवार मतलब बीच हाथ में रह जाती है और बंदे आके मार के चले जाते हैं। भाई गन स्विच करने में टाइम लग जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल बीजेम के अंदर। अब जैसे इधर की तरफ आता हूँ मेरे को एक गाड़ी का साउंड आता है और ये गाड़ी यहाँ पर रुकती नहीं है, सीधा यहाँ से निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा होल्ड करता हूँ तो मेरे को सामने की तरफ AKM दिखती है, तो मैं जल्दी से AKM को स्विच कर लेता हूँ और AKM उठा लेता हूँ। अब इधर की तरफ आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पोर्टी वगैरह दिखती है और मैं इस गाड़ी गाड़ी का जो साउंड सुनना था, तो वाली गाड़ी जो उधर से घूम के अब आती है और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने क्या ही हेड कनेक्ट किया है बिना स्कोप के AKM का। भाई स्प्रे देखा आप लोगों ने कितना खतरनाक, मतलब समझो यार, मतलब पावर है यार अपने पास, कुछ मतलब जादू शक्ति नहीं है लेकिन पावर है अपने पास। अपन यार कोई बोट वोट थोड़ी ना है, अपने को कोई आएगा मार के चला जाएगा। तो मैं उसको जल्दी से मारता हूँ और इधर की तरफ आता हूँ, मेरे को साउंड आते हैं गन्स के बहुत सारे, यहाँ पे फाइट हो रही थी तो मैं यहाँ पे आके जल्दी से इस वाले टावर जो भी बोलते हैं इसको टावर के पास यहाँ पे आराम से लूटता हूँ, मोली सोली उठाता हूँ। अब जैसे मोली सोली उठाने के बाद आपको एक टिप देता हूँ, क्या देखो इस जगह पे सर्व करने का एक ऑप्शन है, आप या तो होल्ड करके खेल लो या तो रश करके खेलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी कैंपर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इधर की तरफ आता हूँ तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया था कि भाई यहाँ पे अभी बंदे तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैं यहाँ पे बंदे, तीन चार बंदे तो आएंगे क्योंकि ये वाला इग्लू काफ़ी दूर था। अब इधर की तरफ आता हूँ, मेरे को सामने से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, अभी वाला बंदा जैसे कवर में जाता है मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ। अभी इस वाले बंदे को मारने के लिए मैं आया ही था, तभी इधर की तरफ आता हूँ और तभी ये देखो ये बंदा पता नहीं ओपन में क्या ही कर रहा था। अब इसको मारता हूँ, इधर की तरफ आता हूँ, जैसे इधर की तरफ आता हूँ मैं इधर की तरफ आके वाली जो पेटी होती है इसको करने लगता हूँ ओपन, क्योंकि इसमें यार देखो कभी कभी MG3 या फिर ग्रोजे जैसी बड़ी बड़ी गन मिल जाती हैं, तो मैं उसी यही सोच के कि भाई ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे कद्दू कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ M4 मिलती है। तो मैं कहता हूँ चलो M4 से ही काम चलाएंगे, तो मैं जल्दी से M4 ले लेता हूँ और इधर की तरफ आता हूँ, क्योंकि मेरे को इधर से साउंड आया कि भाई किसी ने इधर से एक बंदे पर फायर कराया या फिर बंदा मारा है, तो मैं इधर की तरफ आके चेकआउट करने के लिए आता हूँ। अब जैसे इधर की तरफ आता हूँ ये बंदा ओपन में पता नहीं क्या ढूंढ रहा था या फिर क्या खो गया था इसका, तो ये अपना सामान ढूंढ रहा था इसका, पता नहीं कैसे खो गया था। अब इधर की तरफ आके मैं आराम से लूट करने के लिए इधर की तरफ आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगा था अभी मेरी लूट पूरी नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे आराम से AKM की एमओ वगैरह उठाता हूँ। तभी ये बोट आता है और इस बोट को मारता हूँ, अपनी KD बढ़ाता हूँ। और ये वाला बंदा तभी जंप करता है और इसकी फाइट हो जाती है सीजर से, और ये जो बंदा था मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, आपको पता है पिछली बार इस बंदे ने मेरे को 0 किल पे चिकन डिनर दिलाया था, तो ये वाला बंदा यहाँ पे होता है और ये वाला बंदा यहाँ पे सब क्लियर कर देता है। तो मैं यहाँ पे चेकआउट करने के लिए आता हूँ, भाई ये वाला बंदा अभी भी यहाँ पे अगर होगा तो सिंगल टैप में कर रहा हूँ, तो वो भी सिंगल टैप पे करेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, तभी वो बंदा जो मेरा फ्रेंड होता है वो भी कहता है कि भाई मैं समझ गया कि ये पेंटस है, तो ये मेरे को मतलब आ जाता हूँ, तो इधर आके मैं थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ। अब अच्छी बात तो ये थी कि भाई ये मेरा फ्रेंड लिस्ट में था, तो आराम से मैं यहाँ पे आके लूट ले लेता हूँ। और मैं से बोलता हूँ भाई एक स्मोक कर दे, क्योंकि मैं ओपन में लेट रहा हूँ। बैठ जा आप कहीं पे अंदर को, अभी कोई नहीं है यहाँ पे, मैंने मार दिया था जो आया था, चला जा बड़े वाले में बैठ के। आज यहाँ पे लूट होने के बाद ये बोलता है कि भाई सामने वाले बड़े वाले इग्लू पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, जैसे ही जोन स्विच होगा या फिर शिफ्ट होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे 4 किल हो चुके थे, अच्छे खासे सर्वाइव हो रहे थे। आपको एक टिप देता हूँ भाई, आराम से खेलो, जल्दीबाजी किसी की नहीं है, और अच्छे से जोन सर्वाइव करो, क्योंकि आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे एंड में, स्टार्टिंग में किल करके आपको पॉइंट नहीं मिलते, ठीक है, आपको किल के पॉइंट मिलते हैं, एंड में पता चलता है कि भाई क्या क्या चीज़ चल रही है। तो भाई मैं इस वाले बंदे से बोलता हूँ, अपने फ्रेंड से बोलता हूँ कि भाई देख जोन में जाने का टाइम हो चुका है, तो भाई निकलते हैं इधर से। अब ये वाला बंदा था तो मैंने कहा चल ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इधर से तेरा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है, वरना लोग टेबल समझेंगे गद्दारी हो जाएगी अपने साथ। तो ये बोलता है चल ठीक है, अब मैं जल्दी से इधर अपनी वाली गाड़ी उठाता हूँ और ये मेरी वाली गाड़ी उठा के आ जाता है।
अब मैं इधर से जल्दी निकल जाता हूँ जल्दी कैप्सूल को लेके और आ जाता हूँ इधर की तरफ। अब इधर की तरफ आता हूँ मेरे को ये जगह बिल्कुल खाली दिखती है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे बैठ जाता हूँ और अपनी कैप्सूल अंदर रख लेता हूँ। पर ये वाला जो बंदा था यानी ये जो मेरे फ्लाइट में बंदा था, मैं इसको मना करता हूँ लेकिन ये मेरे पास ही आ जाता है दोबारा। अब मैं इसको क्या ही बोल सकता था बाद में, ये बोलता है कि भाई ये जगह मेरे को सही लग रही है तो मैं भी यहीं पर होल्ड करूँगा। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है भाई तू भी कर ले, लेकिन ये बोलता है भाई यहाँ पे चारों तरफ से गोली पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई आराम से अभी खेलेंगे, टॉप 10 करने के बाद मैं निकलूँगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से तेरा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है और कुछ नहीं। अब मैं जल्दी जैसे जोन शिफ्ट होता है तो मैं जल्दी से बाहर आता हूँ, कैप्सूल उठाता हूँ और भाई निकल जाता हूँ इससे दूर, क्योंकि भाई मेरे को इसके साथ नहीं खेलना था, मेरे को अलग खेलना था। अभी वाले बंदे को भी बोलता हूँ भाई मेरे को फॉलो मत करना, मेरा पीछा मत करना, मैं जा रहा हूँ फाइट लेने के लिए। अब जैसे इधर की तरफ आता हूँ ये वाला बंदा जोश जोश में भाई ओपन में आ जाता है और मैं इस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। कैप्सूल पता नहीं ऐसा कैसी कैप्सूल है भाई, मुड़ती नहीं एकदम से। फिलहाल के लिए मैंने किसी भी तरह से मारा। अब जैसे ही मैं कैप्सूल में बैठने की कोशिश करता हूँ लेकिन इस बग्गी के अंदर कैसे बैठ जाता हूँ मेरे को समझ में नहीं आता। अब उतरता हूँ इस वाली बग्गी को लेकर के फिर इधर आता हूँ। अब जल्दी से कैप्सूल लेता हूँ और जल्दी से बूस्ट में भगाता हूँ, क्योंकि भाई अगर ये वाला जोन शिफ्ट हुआ तो भाई यही होता है। आप देखो लास्ट जोन है, आप देख रहे हो भाई कैप्सूल लेके सब घूम रहे हैं, ए टू जेड बंदे गाड़ी में घूमते हैं लास्ट जोन के सर्कल के टाइम पे, आपको ये चीज़ पता होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा भाई, एच टू एच खेलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एच टू एच खेलने का फ़ायदा ये है कि आप जोन के साथ रहोगे और दूसरा आप जोन के अंदर नहीं जाओगे तो आराम से सर्वाइव कर पाओगे, सर्वाइव के बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। हील बैटल क्या करो। अब जैसे इधर की तरफ आता हूँ ये बंदा अभी भी यहीं पर था, सर्वाइव कर रहा था। अब मैं सामने की तरफ देखता हूँ कि भाई एक बंदा है, मैं इसको मारने के लिए इधर आता हूँ लेकिन अपना ही बंदा होता है, तो मैं इधर की तरफ आता हूँ उस वाले बंदे को मारने के लिए जो कि सेक के अंदर है। अब मैं यहाँ पे कामयाब करता हूँ और दो थप्पड़ लगा देता हूँ, लेकिन तभी ये वाला बंदा भी कामयाब मारता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए वाला बंदा डैमेज होकर बाहर की तरफ आके लेट के लूट रहा था, तो मैं उसको जल्दी से मार देता हूँ। और ये बंदा मेरा पूरा किल चुराने के मूड में था, तो फिलहाल के लिए किल तो अपना हो चुका था। अब जल्दी से आकर के मैं इस वाले बंदे की पूरी पेटी को सफा चट कर देता हूँ। अब जल्दी से मेरे पास वो क्या बोलते हैं उसको, पोटली थी नहीं, तो भाई पोटली उठा लेता हूँ क्योंकि भाई पोटली का बहुत ज़्यादा काम होता है। अब सामने की तरफ MG3 वाला बंदा था जिसने अभी अभी एक बंदे को मारा था। अब मैं इसको स्कोप ऑन करके देख रहा था कि भाई ये वाला बंदा अभी भी है या नहीं, बट मेरे को बंदा नहीं दिखता है। तो मैं वापस आ जाता हूँ इधर की तरफ और ओपन में ही ये बोट या पोटली खा रहा होता हूँ। मेरे को डर था कि भाई ये बंदा मेरे को मार ना दे, लेकिन मैं इससे बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे आते ही मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को फॉलो मत करना, मैं जा रहा हूँ वाले बंदे को मारने के लिए। तो ये बोलता है ठीक है। अब मैं सामने की तरफ जाता हूँ कि भाई मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, तू मत आना इधर की तरफ, बच गया वरना इसके भी पेटी बन जाती। अब जल्दी से मैं गाड़ी मतलब कैप्सूल उठाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई मत आना, लेकिन मेरे पीछे ही आ जाता है। पता नहीं इसको कौन सी बीमारी लगी हुई थी। अभी के लिए तो मैं इधर की तरफ आता हूँ चेकआउट करने के लिए कि बंदा यहाँ पे है या नहीं, लेकिन तभी मेरे को बंदा ओपन में दिखता भी है जो कि आप लोगों को भी दिख गया होगा। जैसे ही मैं उसे फायर करता है मैं अपनी कैप्सूल को बूस्ट में भगाता हूँ और जोन के अंदर बाहर चला जाता हूँ। अब इधर की तरफ आता हूँ, MG3 वाला बंदा अभी भी इधर की तरफ था और उसने अभी अभी किसी एक बंदे को मारा था। अब जैसे इधर की तरफ देखता हूँ कि भाई यहाँ पे भी तीन बंदे और भी अलाइव है, तो मेरे को ये जगह अभी सिक्योर लग रही थी, तो मैं यहाँ पे आके आराम से होल्ड करने के लिए सोचता हूँ। लेकिन तभी सामने मेरे को बंदा दिखता है, मैं इसको ठोकने के लिए जाता हूँ, लेकिन ये जो फ्रेंड था मेरा सीजर ये उसको मार देता है। अब ये जो यूट्यूबर भाई होता है ये MG3 चला रहा था यहाँ पे आता है, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि भाई उड़ के जल्दी इसको मार दूंगा जाके। अब जैसे ही मैं इस वाली पावर को यूज करके उड़ के फ्लाइंग बीस्ट बनता हूँ, इधर की तरफ आता हूँ। अब जैसे इधर की तरफ आता हूँ बंदे के फुट स्टेप आते हैं, मैं सोचता हूँ कि नीचे जंप करता हूँ, मोली निकालता हूँ और इसको मारता हूँ। लेकिन तभी भाई ये जो मेरी फ्रेंड लिस्ट का बंदा था इसने उसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया। और भाई एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ, एक चीज़ आप सभी के साथ हो रही होगी भाई, ये जो पिंग है देख रहे हो, ये पिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है गेम के बीच में, कभी कभी आपके साथ भी मेजर प्रॉब्लम हो रही होगी। आई विश कि इसका सोल्यूशन भाई BGMI वाले जल्दी करें या फिर कुछ करेंगे यार, गिलिच पता नहीं ये कोई ना कोई बग या गिलिच डाल ही देते हैं, और ये शायद मेरे ख्याल से कोई बग है या फिर जो भी है, तो इसके कारण सभी का हो रहा है, ये मेरा ही अकेले का नहीं हो रहा, हर किसी का हो रहा है, हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि भाई उसका हो जाता है। अब मैं यहाँ पे इस बंदे से बोलता हूँ कि भाई कहाँ जा रहा है बता,
ठीक है सब कर लीजिएगा। पेन फाइट करेंगे, लेकिन ये वाला बंदा बोलता है कि नहीं भाई गन फाइट करेंगे। मैंने बोला चल ठीक है। अब जैसे इधर की तरफ आता हूँ, ये मुझे फॉलो करता हुआ इधर आ जाता है। मैं तो यही आऊंगा ओपन में, ओपन में थोड़ी। तो ये बोलता है कि भाई मैं ऊपर रहूंगा तू नीचे जा। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है। अब जैसे ही मैं अंदर की तरफ आता हूँ, ये वाला बंदा इधर के होल्ड कर लेता है। अब देखो इसको किस तरह से भजाता हूँ मैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए ये बंदा भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था, इसकी मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी थी। अब जैसे मैं मोली लेके इधर की तरफ आता हूँ, बंदा ऊपर की तरफ ही था। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कामयाबी का यूज़ करूँगा, लेकिन तभी बंदा मोली कर देता है। अब इधर की तरफ आके मैं फ्री फायर देता हूँ, लेकिन बंदा पीछे की तरफ होता है। अब ये नेट कुक कर लेता है जिसका साउंड मुझे आ गया था। अब मैं भी एक नेट निकालता हूँ। अब ज़रा तुम नेट देखो, उसका नेट भी आया, मेरा नेट भी गया, लेकिन बच गया मैं किसी तरह से। अब यहाँ पे देखो, मेरे को लगता है बंदा ऊपर जाएगा, लेकिन बंदा वहाँ पे जाता है बैठता है, लेकिन तभी बंदा यहाँ पे मिलता है। तो मैं समझ जाता हूँ बंदा है, लेकिन ये सोचता है मैं उजूँ। इसको मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन बंदा कवर में चला जाता है। और इसको मारने के लिए भाई सब देख रहे हो मेरी हीलिंग, और ये भी 10 HP है, समथिंग 10 HP है। अब जैसे इधर की तरफ आता हूँ, मेरे को लगता है ये जंप करेगा, और भाई ये बंदा जोन में ही मर जाता है। मतलब इसकी फाइट मुझसे हुई, लेकिन इस वाले बंदे का जो नसीब था, जो फ्रेंड था इसका जो नसीब था वो बहुत गंदा था। तो इसको हम किसी तरह से फिनिश करते हैं 6 किल के साथ। अब प्लस देखो भाई एज डोमिनेटर पे कितना तगड़ा प्लस मिला मेरे को, 18 का प्लस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।